बैठक है, नीतीश कुमार आज दोपहर को जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी राजनीतिक तीर्थाटन करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा स्पष्ट विषय है कि नीतीश जी आपने बिहार के लिए क्या किया। 16-17 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार को लगातार परेशानी में डाला, अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण आप बिहार के लोगों का भविष्य को अंधकार में डाला, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी आपको बिहार का लोग क्यों फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखे। आपने बिहार के युवाओं को क्या संदेश दिया है? राजनीति में लोग लोहिया का नाम लेंगे, जेपी का नाम लेंगे तो उनके विषयों को लेकर आगे बढ़ने का काम, नीतीश का नाम किस कारण से लेंगे आज की युवा पीढ़ी या भविष्य की युवा पीढ़ी? कि जो व्यक्ति केवल अवसरवादिता का जनक रहा, जिसने केवल अपने सत्ता को पाने के लिए पूरे राज्य के विकास को किनारे किया, जिसने केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई राजनीतिक सिद्धांत की बलि दी, तो वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद किया जा सकता है? और देश को कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार कुछ आंकड़ों के बल पर मुख्यमंत्री हैं, जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया। सवाल ये तो है कि सर पीएम बन सकते हैं वो। कौन? जेडीयू के नेता बहुत योग्य हैं भैया, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हो तो लगातार ग्राफ गिरता रहा, 117 सीटों से आगे 43 सीटों पे, अब कितना क्या क्या बनेंगे। नहीं, गाना आता है पीएम बनवो हो, तो वही अब सपना देके रात भर सोते हैं। लेकिन सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई हुई है, और आज के डेट में नीतीश कुमार का ये तुगलकी फरमान बिहार के सांस्कृतिक विरासत को और देश की सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचा रहा है। दशहरा और दिवाली जैसा शुद्ध पर्व जिसमें बच्चे अपने संस्कार और विरासत को आगे बढ़ा सकते थे, उनके पर्व त्यौहार को ये बंद करना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार अब तुष्टिकरण की राजनीति के तहत आगे बढ़ रही है। उसका बिहार के शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अगर शिक्षा से मतलब होता तो बाकी स्कूल में बच्चे क्यों ड्रॉप हो रहे हैं इसका चिंता होता, शिक्षक क्यों नहीं पूरा पहुंच पा रहे इसकी चिंता होती, इसकी चिंता होती कि किस प्रकार से हम और अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें इसकी चिंता होती। चिंता होती तो भाई हमारे जो गर्मी छुट्टी है, जाड़े की छुट्टी, उसको कैसे शॉर्ट करें, तो ये विषय होते ना, लेकिन वो विषय तो उनको मतलब है नहीं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।